राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 3 नेताओं के टिकट कटने की संभावना है। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से मंत्री हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट के साथ मिलकर जो खेल किया था, अब उसका नतीजा भुगतने के लिए हेमाराम चौधरी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गुड़ा मालानी विधायक और मंत्री का टिकट काटा जा सकता है। वहीं रूपाराम धनदेव का भी टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अमीन खान को शिव से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर है। जैसलमेर और बाड़मेर से 3 टिकट काटने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में महामंथन जारी है। जैसलमेर से और बाड़मेर से विधायकों के टिकट काटने की संभावना है। पूरे राजस्थान में करीब 22 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, उसमें 4 मंत्री भी शामिल है, जिसमें बाड़मेर के गुड़ा मालानी से हेमाराम चौधरी भी शामिल है। 3 नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं। मारवाड़ में जो ये बड़े नेता के नाम से जाने जाते हैं, इनका टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हेमाराम चौधरी, रूपाराम धनदेव और अमीन खान शिव बाड़मेर विधानसभा से, ये 3 टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, उसी को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। जैसलमेर विधानसभा सीट पर मानवेंद्र सिंह जसोल को मैदान में उतारा जा सकता है। रूपाराम धनदेव का टिकट काटने की पूरी संभावना है। वहीं हेमाराम चौधरी और अमीन खान को भी इस लिस्ट में शामिल है। 3 नेताओं के टिकट काटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में जीता नेता कौन है।